अभिमान किसी का रहा नहीं अभिमान किसी का रहा अभिमान आँख बदल कर क्यों चलता इंसान से है इंसान से है इंसान किसी का रहा नहीं अभिमान किसी का रहा नहीं अभिमान तुम तो हमें डांटती रहती हो ये तुम्हारी लाडली है ना इसको कभी नहीं बोलती दादी पास हो रही बेटा फर्स्ट क्लास दादी और ये किरण थर्ड क्लास है फिर भी माँ हमें डांटती है देखो जी मैंने तुमसे कई बार कह दिया है कि मेरी लड़की से न बोला करो एक को तो तुमने अपनी जैसी बना लिया अब इसे रहने दो परमात्मा के लिए हाँ जी मैं तो दुश्मन हूँ माँ थोड़ी हूँ बीए के इम्तिहान में तो फर्स्ट आ गई अब गृहस्थी के इम्तिहान में फर्स्ट आएगी तो जानूंगी ए आ बेटा अरे तालीम याफ्ता है मेरी लड़कियां बीए पास जिस घर में भी जाएंगी स्वर्ग बना देंगी उसे अजी पहले घर तो तलाश कर लो अरे सैकड़ों देख रखे हैं मैंने तुम क्या समझती हो मैं सो रहा था पहले किरण की शादी और फिर अलका की ओ दादी लेकिन तुम न बोलना कुछ बीच में लड़कियां खुद पसंद करेंगी और एक लड़का तो कल ही आ रहा है अच्छा एमे है एमे अरे किरण जल्दी कर कितनी देर से बैठा है लड़का दिखने में कैसा है लड़का खुश हो जाओगी देखकर एमबी है विलायत का ओह इंग्लिश में ओ गुडी गुडी वेरी ओ यस यस राधर दैट्स राइट Oh, lovely, wonderful, charming. यह है मेरी लड़कियां किरण और अलका आई सेल और बेटा यह है मिस्टर आर के सक्सेना एमए इंग्लैंड रिटर्न गुड मॉर्निंग माय डियर यंग लेडीज नमस्ते ओ नमस्ते नमस्ते ओ नो लेडीज फर्स्ट जी नहीं पहले आप ओ हिंदू कल्चर आई सेल Well, लेकिन मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ इंडियन कल्चर के जरा हमारे इंग्लैंड में चल के देखिए कितनी इज्जत है औरतों की किस नजर से देखा जाता है औरतों को किस नजर से देखा जाता है आप हिंदुस्तानी नहीं है अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में पैदा हो गया हूँ I see. To tell you the truth, bodily हिंदुस्तान में हूँ heartily यूरोप में Because culture, Europe में, life, Europe में. In fact, वहाँ की society में ज़िंदगी, वहाँ के ख़यालों में ज़िंदगी, वहाँ की हवा में ज़िंदगी. बल्कि यूँ कहिए कि वहाँ की मौत में भी ज़िंदगी, हाँ? That's right. मगर ये इंडिया है, मिस्टर.
हिंदुस्तान, नमस्ते। नमस्ते। नारी जाति का जितना सम्मान हमारे भारतवर्ष में है उतना किसी अन्य देश में नहीं। हम भारतवासी नारी को अथवा पत्नी को धर्म पत्नी अर्धांगनी सहधर्मिणी मानते हैं। कारण न ग्रहम ग्रह मिथ्याहु ग्रहणी ग्रह मुच्यते, अर्थात हम घर को घर नहीं मानते परंतु घरवाली को घर मानते हैं। किंतु आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां इसका अर्थ उल्टा ही लगाती हैं, स्वयं को पुरुष की भांति स्वतंत्र समझ बैठती हैं। ये उनकी जो है सो भयंकर भूल है। हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है? न स्त्री स्वतंत्र मरहति। और क्या लिखा है? आओ भाई आओ रामू श्यामू, ये है मेरी लड़कियां अलका और किरण। आप हारमोनियम बजाना जानती हैं? आप तबला बजाना जानती हैं? जी थोड़ी थोड़ी ढोलक बजा लेते हैं हम दोनों। धगन धिनक धिन धगन धिनक धिन। नाच गाना तो जानती होंगी आप दोनों? नाच गाने के बड़े शौकीन मालूम होते हैं आप दोनों? जी बेहद शौक है। नागिन देखी थी? नागिन जी नहीं है? हमने 22 बार देखी। 23 भाई। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। कितने लड़के देख डाले मगर एक ने पसंद आया तुम्हारी लड़कियों को। बीए पास है मेरी लड़की, और कराओ बीए पास, इससे तो बिना पढ़ी लिखी ही अच्छी। अरे तुम तो हो पागल, लड़कियों को भी देखभाल कर ही शादी करनी चाहिए, आखिर उनकी जिंदगी भर का सवाल होता है। और ढूंढेंगे लड़के? आज ही दयाराम से मिलता हूँ, उसे दुनिया भर के लड़कों की खबर होती। दयाराम जी है? खुशी खुशी वही हम बेबुलाए आते हैं। भाई बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। अजी वर्मा साहब, अपन तो कर भला हो भला, समझे साहब? आपने याद किया, हाजिर हो गए। अरे भाभी खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, कम से कम एक कप चाय तो पिलाओ। हाँ साहब तो फरमाइए क्या होता। अजी हुक्म तो क्या, अपनी अलका और किरण के वास्ते दो लड़कों की जरूरत है। लड़के? अजी लड़के तो जेब में लिए फिरता हूँ। अच्छा, ये देखिए सब पढ़े लिखे हैं, बारोजगार है, जिससे कहिएगा उससे तय करा दूंगा। मगर ये तो सब लड़कियां ही लड़कियां हैं। लड़कियां? माफ कीजिएगा, लड़के दूसरी पॉकेट में रखता। ओ ये देखिए। हाँ अजी सैकड़ों लड़के लड़कियों की शादी करा दी है। भाभी ऑफिस के बाद अपने को यही एक शौक है, क्या? कर भला हो भला। ये लड़का तो मुझे अपनी किरण के लिए पसंद है, और ये अलका के लिए। अरे भाभी तुम भी कमाल करती हो, तुम्हारी पसंद से क्या फायदा। अरे भाई लड़कियों को दिखाओ, उन्हें पसंद आ जाए तो चट मंगनी पट गया। क्यों साहब? ठीक तो है। हाँ भाई जाओ पहले तस्वीरें लड़कियों को दिखला दो। खैर ये बात तो हुई, वर्मा जी अगर इस उम्र में गुंजाइश हो तो तुम भी एक आध पसंद कर लो। क्या बात कर रहे हो। तो मुझे भी पसंद है। अच्छा और तुझे अलका? हम तो भाई फोटो देखकर कुछ नहीं कह सकते। क्यों बेटा? आंख नाक चेहरा मोहरा कितना अच्छा दिखता है लड़के। किरण को तो पसंद है ये लड़का। अच्छा और अलका को? पसंद तो उसे भी है मगर वो लड़के को एक बार देखना चाहती है। हाँ तो कोई बात नहीं, बुलवा लेंगे लड़के को। क्यों दे आराम जी? कौन बड़ी बात है, देखो कौन सा लड़का ये है। अरे बाप रे ये लड़का नहीं जाता किसी के घर। क्यों क्या हाल है? ये तो वो जाने, मैंने एक लड़की को देखने के लिए कहा था, इसने साफ इनकार कर दिया। और अगर अलका देखना ही चाहती है तो अलका को ले जाऊंगा उसके घर। नहीं चाचा हम नहीं जाएंगे किसी के घर पर। अच्छा जी। हाँ दयाराम जी मैं लड़की को तो नहीं भेज सकता उसके घर। अच्छा बाबा अलका को मैं भेज देना, इसमें कोई वादा है? लड़के को मैं वहां बुला लूंगा। ठीक? हाँ ये ठीक। तो ला फोटो। अच्छा भाई चल दिए नमस्ते। अच्छा देखो बेटिया कल ठीक 8 बजे घर पहुंच जाना। लड़के का नाम है सुरेश चंद्र कपूर। कर भला हो भला।
खुशी खुशी वहीं हम दे बुलाए जा। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं जी? मैं आपका पीछा क्यों करने लगा? आप अपने रास्ते जा रही, मैं अपने रास्ते जा रही, तो फिर जाइए ना। बहुत बेहतर, पैकेज देना भी गोल्ड प्लेट। टिकट तो लेते जाओ, से गोली मारो यार। मेरा नाम है सुरेश चंद्र कपूर। नमस्ते। और आप शायद? अलकनंदा वर्मा। बी बी दयाराम चाचा कौन है भाई? बैठो बैठो, अभी आया। माफ कीजिए। ओहो, दोनों साथ साथ कर भला हो भला। मालूम होता है पुरानी मुलाकात है। नहीं चाचा, पुरानी तो नहीं है। पुरानी नहीं, नई है। अच्छा बैठो बैठो। देखो बेटी, यही है वो। देखो मिस्टर, यही है वो। नमस्ते। अरे सावित्री, चाय ले आना, नई जोड़ी आ गई है। ठीक वक्त पे पहुंच गया, मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। अरे तो ले आओ ना बाहर। क्या वही बैठे बैठे कह रहे हैं चाय लिया चाय लिया? भला मैं वहां कैसे हूँ? क्यों शर्माती है ना उन्हें? हाय हाय, तुझे देखने नहीं आया है वो। जिसे देखने आया वो तो उसके पास बैठी। तो क्या मैं भी वही जा बैठू? तो क्या कोई पकड़ लेगा तुझे? गवारन कहीं? हाँ हाँ, मैं तो गवारन हूँ। शादी क्यों की थी मुझ जैसे गवारन से? नसीब अपने,
वरना तेरी शादी तो घसीटामल से होनी चाहिए थी। देखो जी, ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती। जब देखो घसीटामल, कौन है वो मुआ घसीटामल? हाय हाय, भूल गई? अरे वही मिठाई वाला जिसे तेरा ब्यार आचा रहे थे तेरे बाबा। नसीब अच्छे थे बेचारे के जो बाल बाल बच गया, और ये ढोल मेरे गले बन गया। पीटो तो मुसीबत, न पीटो तो मुसीबत। हाँ हाँ, पीट लो, मार लो, तुम्हारे गले जो मैं बंधी गई हूँ। अरे रो मत, जल्दी से चालिया बाहर। मैं नहीं आने की, वो रखी है ले जाओ अपने आप। हमने ऐसे कौतुक न देखे न किए। बम्बई के लोगों ने तो शर्म जैसे बेच खाई है, बिना देखे शादी ही नहीं करते। ये भी तो गाय भैंस का सौदा है जो देख के किया जाता है। तुम आए थे मुझे देखने? अगर मैं देखने आता तो तुझसे शादी करता। अरे अगर वो घसीटा मल देख लेता तो वो भी भाग जाता। अजी तो मैं भी नहीं आई थी तुमसे कहने कि मुझसे शादी कर लो। अरे आस्ते बोल भगवान, वो सुनते होंगे। मैं ही ले जाता हूँ खुद जा। और तू कोने में बैठ जा मुंह छुपा के। और क्या, मुंह खोल के बैठूं? कर भला हो भला। अम्मा इतनी दूर दूर, आओ इधर बैठो। दूर दूर क्यों बैठे हो भाई? चाह पियो, शर्माते क्यों हो? तुम्हारी चाची से बात कर रहा था, कहती है कि जोड़ी बड़ी मजेदार। अच्छा अच्छा, तुम ऐसा करो कि तुम लोग चाह पियो, मैं अभी आता हूँ। अरे भाई, तुम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं है? सब यही छोड़ दिया है क्या? अलका बेटी, चाय अच्छी है? बोलो बोलो, शर्माती क्यों? हाँ तो सुरेश बाबू सुनाओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? चाय में शक्कर आकर ठीक है ना? बाबूजी से बात करो ना साहब। कर भला हो भला, बाबूजी से तो बात मैं कर लूंगा भाई, बड़ी खुशी हुई। अच्छा तो मुझे जाओ, अकेले जाओ? आए तो फिर जोड़ी के साथ कैसी बातें करते साथ? अरे तुमको आज ठिकाने लगाए जाते हैं। कर भला हो भला, नाम तो है अलकनंदा वर्मा, बीए पास है लड़की। जी हाँ। अच्छा, ये तो अपने सुखलाल जी की लड़की है। जी हाँ, उन्हीं की छोटी लड़की है। बात असल में ये है कि दोनों लड़कियों की शादी एक साथ करना चाहते हैं, और अपने सुरेश बाबू लड़की को देख चुके। जी सुरेश जी। बाबू जी, भाई क्या ख्याल है बेटे? अब मैं क्या बताऊं बाबू जी, जैसा आप ठीक समझे। लड़की तो अच्छी है दयाराम जी, लेकिन बात ये है कि लोग इतने बड़े मकान को देख कर ये समझते हैं कि हम अब भी वैसे ही रही सर। लेकिन आप तो जानते हैं वो जमाना नहीं रहा। सुरेश 400-500 कमा लेता है, और इस 400-500 में बंबई में गुजर करना। अजी आप बेफिक्र रहिए, घर के काम काज में तो इस कदर होशियार है लड़की, और माँ कसम खाना तो ऐसा पकाती है, वाह 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 वाह। आते ही घर को संभाल लेगी कपूर साहब, नौकर चाकरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सच कहता हूँ आपसे। जी हाँ दयाराम जी, बहुत ऐसी ही होनी चाहिए। क्यों चंद्रा, कैसी है लड़की? छान है, बहुत अच्छा। बुरी नहीं है लड़की। अच्छा इसका नाम क्या है चाचा? नाम तो बिटुआ इसका है किरण। किरण? हाँ, काम काज में बहुत ही होशियार, माँ कसम दिलीप, खाना तो वो पकाती है, वो पकाती अच्छा, है। अच्छा, तभी दिखने में इतनी सीधी शादी है। सीधी? अमा बीए पास है। बीए? बीए पास है? हाँ। उफ, तब तो चलेगी साहब। ऐला मुझे तो दिखा, चलेगी चलेगी साहब। हाय ये क्या चलेगी, ये बीए पास घर को संभालेगी, बनाव सिंगार से फुर्सत मिलेगी तो किताबें लेकर बैठ जाएगी। भैया हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो हमारी सेवा करे, घर का काम करे। माँ
मुझे बीवी चाहिए, बीवी, नौकरानी नहीं चाहिए। हमें पसंद है ये लड़की। आई पसंद है तो करना चाहती हमें क्या? चाचा हाँ। शाबाश बेटा, कर भला हो भला। जरा घूमने जा रहे हैं। अच्छा बेटा, खाने का समय तक लौट आना। जी बहुत अच्छा। माँ जी क्या है? हम लोग जरा घूमने जा रहे हैं। अरे तो मुझसे क्या पूछती हो, जा तो रही हो बंठन के, जाओ जहाँ तुम्हारे जी में आए। माँ जी अगर आप कहें तो मैं ना जाऊं उनके साथ। हाँ। किरण, अब खड़ी क्यों हो, जा ना, बुला रहा है, जा जा घूमने जा। रानी घूमने जा रही है और दासी खाना पकाए। कितनी स्मार्ट लगती है उस ड्रेस में, हम भी अपने लिए कैसा बनाएंगे। मैं अच्छा बना लूंगा। तुम अपने लिए कैसी बुशर्ट बना लेना? मेरा ख्याल है तुम मुझे एक बंदर और डुगडुगी और दिलवा देना। अरे इतना हंसने की क्या बात है, ये तो आजकल का फैशन है। हाँ फैशन है। आओ देख रहे हो जी, घूम के। दिल कहता है कि तुम बहुत सुंदर, मगर आंखें कहती है कि बहुत सुंदर क्या, तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत। आंखें तो हमेशा धोखा देती हैं। अच्छा जी, किरण तुम वाकई बहुत सुंदर हो, चलो गार्डन में। क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है, अपने गांव से अच्छी है ना। अरे नजदीक कौन वहाँ कहाँ बैठ रही है? शर्मिया थी, सामने से लोग आ जा रहे हैं, बूढ़े हो गए मगर अकल नहीं आई। तो वहाँ जाके बैठ समंदर के पास। बैठ इतने बड़े शहर में आई और बातें वही गंवार पाने की करती। हाँ, मैं तो गंवार हूँ। अरे वो देख देख वो कैसे कमर में हाथ डाले हुए आ रहे हैं, फिर रहे हैं, जा रहे हैं। वो लोग बेशर्म है। और तू बड़ी शर्म वाली है। अभी चुप बैठो। चुप है बाबा जी, तुम कहाँ बैठ रहे? अरे हम दोनों मियाँ बीबी है। मियाँ भी पीछे, अरे नजदीक नजदीक बैठो, दूर का बैठा। सच्ची बाबा अरे घूंघट क्यों निकालती हो, ये तो सामने के बच्चे हैं, बच्चे है? भाई सुरेश, शर्म की पोटली और प्यार की गठरी, बस समझ लो कि दूसरी सावित्री। हाँ चाचा, ये सावित्री और आप सत्यवान। भाई हम तो यही समझते, अगर यमराज हमें लेने आए तो मेरी सावित्री मेरे साथ जाएगी। हाय हाय, यमराज आपके दुश्मनों को लेने आए, कैसी बातें मुंह से निकाल रहे हैं। सुन लिया ना, पढ़ी लिखी नहीं है मगर पढ़ी लिखियों से ज्यादा वफादार, फरमा बरदार। अब क्या तारीफ करो इसकी, खैर तुम लोग तो अच्छे हो ना। हाँ जरूर चलो, क्योंकि भाई तुम लोगों को खुशी में मैं दावत देना भूल गया। अरे वाह चाचा, शादी हमारी और दावत तुम दोगे? अरे भाई हम तो दुनिया को देखकर खुश होते हैं, तुम तो जानते हो। कर भला भला। अच्छा भाई चलो 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 चलो।
आने चाची। बाय। देखो भाई। अब बॉय अलका सिर्फ चाय मंगाना ना, बाबूजी इंतजार करें। नहीं तो मेरी भी यही राय है, माँ जी खाना लेकर बैठे। अरे तुम बैठो लो। मैंने खाने की होटल का खाना बना। अरे रोज घर का खाती आज बाहर का। बॉय तुम जाओ खाना ले आओ। बॉय भाई सिर्फ चाय लाना। हाँ अरे यार खाना खा लो, जा भाई खाना ले आओ। नहीं जाना माँ जी। बॉय पहले आप लोग फैसला कर लीजिए। बॉय सुनो ना। अरे भाई तुम खाना लाओ ना। बहुत अच्छा लगे। बॉय अरे वो चटनी और कचूमर भी साथ में ले आना। चाची आप खाना नहीं खाएंगी? अरे खा लिया नहीं रात तो भूखी रह जाएगी। इतने लोगों के सामने मैं नहीं खाने को। अरे जैसा देश वैसा भेद। खा लीजिए चाची, ऐसी भी क्या बात है। कौन मैं? अरे मैं तो होटल का पानी भी नहीं पीने की। हाँ आ गए घूम के। मेरी तो आंखें पक गई राह देखते देखते। यूं ही देर हो गई माँ। अब जल्दी से कपड़े बदल के आओ रानी जी, दासी खाना लेकर बैठी है। हया शर्म साफ बेच खाई है आजकल की बहू बेटियों ने। होठों पर लाली लगा लिया, मुंह पर चूना पोत लिया, बन गई मेम साहब। वो ये बूढ़ा मरे या जवान, इन्हें अपने घूमने से काम। अब खड़ी क्या हो महारानी, बुलाओ अपने खसम को, खाना परोस दिया है कोई अल्ले। लेकिन माँ जी हम लोग तो होटल में खाकर आए हैं। होटल में खाकर आए? ये कौन तेरा बाप खाएगा? नहीं माँ जी मैं खाऊंगी, आप परेशान मत होइए, आप तो रोटी खाइए। हाँ। जो कुछ बचेगा वो मैं सब सुबह खा लूंगी। भला तो रात घर आने की बेटी बासी क्यों खाएगी, उठा के फेंक के थोड़ा सा। हे भगवान ऐसी बहू से तो मुझे मौत दे दे। छोड़ मेरे पैर। माफ कर दो माँ जी, माफ कर दो मुझे। अरे तो मैं क्या तुझे गोली मार रही हूँ? जब तक आप रोटी नहीं खाएंगी मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी। मेरी इतनी फिक्र होती तो इस बार माफ कर दो माँ जी, फिर कभी कभी नहीं होगी ऐसी गलती। अच्छा तो छोड़ मेरा पैर। बहुत अच्छा सरकार। सुनो। हाँ हाँ। मेरे जूते की जरा बंद खोलना आकर। ए मिस्टर आपने मुझे समझ क्या रखा है? औरत धर्मपत्नी, मेरी सेवा करना तुम्हारा धर्म, जानती नहीं मैं तुम्हारा कौन? चलो अजीत इतना कर, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, नौकरानी नहीं, समझे? अलका मालूम होता तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अलका इसी अकड़ो ना हूँ से पिया के हमने भी बीए पास किया। अकड़ो ना हूँ से पिया के हमने भी बीए पास किया, के हमने भी बीए पास किया। जंपिंग फेंसिंग सिंगिंग डांसिंग एक्टिंग पेंटिंग राइडिंग स्विमिंग हर खेल में पाती रही, कॉलेज की शोहरत बढ़ाती रही, हर साल अव्वल में आती रही, सबकी नजर थरथराती रही। इसी किस्मों को मैंने सबक दे दिया, सबक दे दिया। हे अकड़ो ना हमसे पिया के हमने भी ये पास किया, अकड़ो ना हमसे पिया के हमने भी ये पास किया, के हमने भी ये पास किया। चलने की अब बातें बासी कहाँ, औरत अब मर्दों की दासी कहाँ। बदला जमाना है बदला जाओ, हम तो नहीं हम भी तुमसे यहाँ। इजी पलकें झुके सर ना झुकने दिया, ना झुकने दिया। ए अकड़ो ना हमसे पिया
के हमने भी ये पास किया, अब रोना हमसे पिया के हमने भी ये पास किया, के हमने भी ये पास किया। किस्मत बना सकती हूँ, हर काम करके दिखा सकती हूँ, चाहूँ तो खुद भी कमा सकती हूँ, घर बैठे तुमको खिला सकती हूँ। जी बोलो जी, तुमने समझ क्या लिया, समझ क्या लिया, ए अकड़ो ना हमसे पिया के हमने भी ये पास किया, अकड़ो ना हमसे पिया के हमने भी ये पास किया, के हमने भी ये पास किया। बाल तो अजून तलक सोता है शेठ, अभी तक नहीं उठी, आप चाय पी लीजिए बाबूजी। नहीं बेटा, आ जाना तो बहू को। चंद्रा उठा दे बहू रानी को। बरा है। और कहना 8:30 बज चुके हैं, जल्दी उठें। बाय, ए बाय, बाय, उठो। शेठ बुलाता है चाय पीने को। नहीं आता है तो सो, अपन को क्या है। अलका, ए अलका, उठो ना, 9 बजने वाले हैं। बाबूजी चाय पे नीचे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, जैसे हम तुम्हारे कोई भी नहीं है। अच्छा तुम सीधी तरह चलती हो तो मैं जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। अब हटो यहाँ से, हम कपड़े बदलेंगे। जल्दी आओगी नीचे तरह। जाओ भी, देखते क्या हो। उठ गई ना? जी हाँ। बड़ी देर तक सोती रही, तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ तबीयत तो ठीक ही। रात क्या ज्यादा देर से सोए थे? जी हाँ। जी नहीं बाबूजी, ऐसी कोई खास देर तो नहीं हुई। ज्यादा रात तक नहीं जागना चाहिए बेटा। चंद्रा, ओ चंद्रा। चंद्रा तो मेरे लिए तंबाकू लेने गई है, न जाने किस चीज की जरूरत है बहू रानी को। रहने भी दीजिए बाबूजी, उसकी तो आदत ही खराब। और चंद्रा की बच्ची। कहाँ गई है जी चंद्रा की बच्ची? अभी आती है बहू, मैंने उसे बाजार भेजा है। एक नौकर और रख लीजिए ना बाबूजी। और नौकर की क्या जरूरत है, चंद्रा ही काफी है। वो मेरा काम करेगी या बाबूजी का? एक नौकर और चाहिए। अच्छा अच्छा, एक नौकर और रख लेंगे। नहीं रामी, अब मुझे नौकरानी की जरूरत नहीं है, मेरी बहू जो आ गई है। अब बहू जी, ए रामी का पगार दे दे 1 महीने का। अच्छा, क्या बात है माँ? कुछ नहीं बेटा, जरा इसे हटा रही हूँ रामी को। क्यों? क्यों क्या, घर में थोड़े से काम है बहू कर लिया करेगी। माँ क्या किरण अब ऐसे छोटे मोटे काम किया करेगी? लो सुनो, हमने नहीं किए छोटे मोटे काम, ये कहा कि महारानी है जो वही करेगी। सब काम कर लिया करूंगी माँ जी, आप शौक से हटा दीजिए इसे। ले रामी। नहीं किरण, तुम ऐसे काम नहीं कर सकती, खबरदार जो उसको निकाला, समझी? अरे तो रख ले दो 4-10 नौकरानी और इस देवी जी को मंदिर में बैठा कर पूजा किया कर। हमारा क्या है, मैं मर जाऊंगी तुझे आटे दाल का भाव मालूम होगा निकम्मे। रामी जा तू काम कर और 10-20 नौकर नौकरानी ले आ इस घर में, और महारानी जी तुम बैठ कर राज करो। अच्छा ये पास बहू लाया है, चलेगी चा चा चलेगी, अरे मैं भी देखूंगी कैसे चलती है। रानी, रानी। रामी ये तू अपने पैसे ले बहन और जा जल्दी से। रामी, ओ रामी, क्या चाहिए आपको? अरे बाबा पानी चाहिए, पानी, मुझे शेव करना है। अच्छा अच्छा अभी लाती हूँ। मगर रामी कहाँ गई? वो तो चले गई जी, मैंने हटा दिया उसे। हटा दिया? क्यों हटा दिया? मैंने मना जो किया था, अब क्या उसका सारा काम तुम क्या करोगे? तो क्या हर्ज है,
अपने ही घर का तो काम है ना। मगर मैंने तुमसे इसलिए शादी की कि तुम 24 घंटे घर के काम में फंसी रहो। अरे भाई मैं चाहता हूँ तुम्हें घुमाने ले जाऊँ, क्लब, नाटक, सिनेमा। माँ तो सठिया गई, मैं भी जाता हूँ रामी को लेने। नहीं जी, तुम्हें मेरी कसम है, माँ जी को खुश रखना हमारा फर्ज नहीं है। मैं कर लूंगी जी, आखिर काम है कितना है। देखो माँ जी का मन भी रह जाएगा और हर महीने 20 रुपए बचा करेंगे। ओफ ओफ, मालूम होता किसी नौकरानी से शादी कर ली है मैंने। अच्छा तो नौकरानी ही समझ लो हमें, मगर पगार क्या दोगे सेठ? किरण, क्या इसीलिए तुमने बीए की डिग्री हासिल की थी? क्यों, क्या बीए की डिग्री घर के कामकाज को मना करती है? छोड़ो, हम पानी लाते हैं। अरे नहीं सावित्री, मैंने इतने ही कहा था। बहू नौकरानी को हटा दो, अरे जान को आ गए दोनों खत्म करो। वो तो मैं ही थी जो चुपके चली आई, कोई दूसरी सास होती तो तैयार पकड़ के घर से बाहर निकाल देती। और क्या बताओ, बीए पास है तो क्या घर का काम काज नहीं करना चाहिए उसे? आए है, क्यों नहीं करना चाहिए काकी, औरतों का तो काम ही है चौका बर्तन करना, वो भी सिर रहते हैं पढ़ा कर। भला मुझे कौन सी नौकरी करनी है या विलायत को जाना है, क्या फायदा इस पढ़ने लिखने से? पूछो। कानपुर, मामा की चिट्ठी होगी। हाँ कानपुर। सावित्री बेटा बिटिया जाती रहो। सावित्री बिटिया जीती रहो। दवा राम का ये उनका नाम होगा काकी। हाँ, दया राम का खत मिल गया। तेरे पिता बीमार। तेरे पिता बीमार हो गए थे, आज मर। सावित्री तेरे पिता आज मर गए। भगवान सुन, मेरी बात सुन, तो भगवान अरे क्या हुआ ओ भगवान, जरा मुँह से तो पूछ क्या हुआ। पिताजी मर गया बेचारी का भैया। अरे तुम लोग सबके सब चुप हो जाओ। अरे चुप हो जाओ पगली, तेरा बाप नहीं मरा है, अजमेर गया है, अजमेर मशीन लेने। हाँ तुमने किसे पढ़ाया खत? ये बैठी है ना बीए पास के साथ, इन्होंने पढ़ा था। मेरे पिता को क्यों मारती हो? अपने पिता को मारो ना, वरना लिखना आता नहीं और कहती है लापरवाह। चलो तो यहाँ से। अरे अरे, घर आए हुए मेहमान के साथ इस तरीके से नहीं पेश आते। ये इसी लायक है। चुप जा। अच्छा माताओं बहनों जाओ, चलो जाओ, कोई नहीं मरा है, सब आराम से है, सब राजी खुशी है। चलो जाओ जल्दी जाओ, चलो यहाँ धन देकर बैठ गई हो। काकी बुरा ना मानना इसके कहने का। अरे भगवान इसीलिए कहता हूँ कि पढ़ा कर, अगर ये ठीक से पढ़ना जानती तो अजमेर गए को आज मर गया नहीं पड़ती। है काकी बड़ी भगवान हो, बीए पास बहु मिली। हाँ भैया इसमें क्या शक है। घर की रानी हूँ जी मैं, घर की रानी हूँ जी मैं, घर की रानी हूँ जी मैं, घर की रानी हूँ जी। शाम कहूँ मैं मंगल तारा, भूर सुहानी हूँ जी मैं, घर की रानी हूँ जी। जब बर्तन छेड़े सरगम, मैं भूलू अपना हर गम, इस आंगन के दर्पण में मेरा मुखड़ा चमके चमचम। यही मेरी दुनिया,
यही मेरी दुनिया, मैं इस दुनिया की दीवानी हूँ जी, मैं घर की रानी हूँ जी, मैं घर की रानी हूँ जी, घर की रानी हूँ जी, मैं घर की रानी हूँ जी, मैं घर की रानी हूँ जी। से दुल्हन प्यार से पत्नी ममता से है माता, कितना सुंदर कितना प्यारा हो, कितना सुंदर कितना प्यारा, नारी का ये नाता हो, नारी का ये नाता, सदा नया एक रूप, सदा नया एक रूप, सदा एक नई कहानी हूँ जी, मैं घर की रानी हूँ जी, मैं घर की रानी हूँ जी, घर की रानी हूँ जी, मैं घर की रानी हूँ जी, मैं घर की रानी हूँ जी। कभी अभिमान न आए, दुख में धीर न छूटे, सुख में कभी अभिमान न आए, दुख में धीर न छूटे, तुम्हारी दया न मुझसे रूठे, गिरे न आँखों से, गिरे न आँखों से अचल पर, मैं वो पानी हूँ जी, मैं घर की रानी हूँ जी, मैं घर की रानी हूँ जी, घर की रानी हूँ जी, मैं घर की रानी हूँ जी, मैं घर की रानी हूँ जी। पैसे ये ले अपनी पगार और निकल जा यहां से, और खबरदार जो तूने कभी मेरे घर में अपना मुंह दिखाया। अगर भाई हम तो हाथ से काम करता है, जिधर जाएगा पैसा मिलेगा, पर तुम क्या करेगा हमारे बिगर? चंद्रा अरे मेरा हुक्का तो दे जा। चंद्रा नौकरी छोड़ गई बाबूजी। नौकरी छोड़ गई क्यों? मैंने उसे निकाल दिया, बहुत सिर चढ़ गई थी। लेकिन आजकल वैसे ही नौकर मिलना मुश्किल है बहू, उधर रामू भी बीमार है, अब घर का काम कौन करेगा, खाना कौन पकाएगा? मैं बताऊं, होटल से डिब्बे मंगवा लीजिए, कॉरोनेशन होटल में बड़ा अच्छा खाना मिलता है। होटल का खाना तो सुरेश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बहू, और मुझे भी आदत नहीं। एक काम करो, जब तक नौकर नहीं मिलता तुम ही पका लिया करो। जी नहीं, मुझे ये काम बिल्कुल नहीं आता। जरूरत के वक्त सभी काम करने चाहिए बेटी, करते करते सीख जाओगी। आओ मैं तुम्हें सिखाऊं। जी नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती, कॉलेज में खाना पकाना बर्तन मांजना थोड़ी सिखाया जाता है। लेकिन आज तो सुरेश भूखा गया बहू, अभी थका हुआ आएगा तो।
बाबूजी आप ही क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, नौकरानी काम छोड़कर चली गई ना, इसीलिए। नौकरानी काम छोड़कर चली गई तो अलका बर्तन मान जाएगी। अलका, ए अलका। सुरेश, सुरेश, उसी ने बोला थोड़े से बर्तन मैं खुद मान लूंगा। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? चलिए उठिए, हाथ धोइए। आप बर्तन मानेंगे तो अलका किस मर्ज की करा? अलका क्या करेंगे तुम? ऊपर देखती नहीं बाबूजी बर्तन मांज? मैंने थोड़ी कहा था बर्तन मांजने के लिए, मैं जानती हूँ ये मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, शर्मिंदा करना चाहते हैं। अलका, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, बिल्कुल परवाह नहीं। अलका, अलका, अलका। सुरेश जाने दे बेटा, धीरे धीरे सब समझ जाएगी, अभी बच्चा ही तो है। तू जा कपड़े बदल ला, जब तक मैं काम के लेता हूँ। अरे काम ही कितना है। नहीं बाबूजी आप रहने दीजिए, मेरे होते हुए आप काम करें, लाना था मुझ पर। अरे पागल हो गया क्या? खुशी खुशी वही बुलाए। क्यों कर रहे हैं? अलका कहाँ गई? वो तो बीए पास है ना चाचा, वो बर्तन कैसे मांजेगी? बीए पास हुई तो क्या हुआ बेटा, घर का काम तो करना चाहिए। उस वक्त तो आप ही ने कहा था कामकाज में होशियार है, खाना भी खूब पकाती है, आते ही घर संभाल लेगी। मगर मैंने तो कुछ उल्टा ही पाया, राम जाने इसकी गृहस्थी कैसे चलेगी। माँ बाप भी अच्छे रहे और आप भी अच्छे रहे। भाई मैंने तो अच्छे के लिए किया था। हाँ सब अच्छा ही हो रहा है चाचा, आप बैठिए आराम से, हम आते। नहीं बेटा आज तो नशा उखड़ गया, फिर कभी आएंगे। नागारानगर पढ़ाना लिखाना बिल्कुल बेकार है, बेकार हो जाती हैं लड़कियां पढ़ लिख कर। नहीं पढ़ाना चाहिए, हर किसी नहीं पढ़ाना। ये क्या कर रही, छोड़ो इस पढ़ने लिखने, फेंको इस किताब। बिल्कुल निकम्मी हो जाती हैं औरतें पढ़ लिख कर। अरे वो बेचारा बुढ़ा बर्तन मांज रहा है। आखिर बात क्या थी जी? अरे बात क्या होती, मैं क्या जानू कौन कैसी निकलेगी है? पहले तो कहते हैं सब, दयाराम जी पढ़ी लिखी चाहिए, बीए पास, एमए पास। ठीक कहा है किसी ने, खोले की दलाली में हाथ काले, एक तो घर बसाओ और ऊपर से बुराई लो। अब नहीं पढ़ूंगा मैं किसी के बीच में, चाहे किसी की शादी हो या ना हो। मगर आपने तो ठेका उठा रखा है ना सारे शहर की लड़कियों की शादी कराने का, कर भला हो भला। एक तो जेब से आने जाने के पैसों का खर्चा और ऊपर से बदनामी। आज से मैं किसी बेईमान का काम नहीं करूंगा। ये रहे लड़के और ये रही लड़किए, और ये रहे उनके पते, एड्रेस बीए पास। ससुरो लो बीए पास, लो जा तू मेरे लिए एक कप चाय बना के ला, जा। नमस्कार दया। नमस्कार। ओ कौन घनश्यामदास जी, आइए आइए तशरीफ रखिए, सुनाइए क्या हाल चाल। क्या हाल चाल है दयाराम जी, लड़की सियानी हो गई, परेशान हो गया मैं तो, कोई लड़का ही नहीं मिलता है जी। लड़के तो मैं जेब में रखता हूँ। वो रहे लड़के, मगर ये तो बताइए आपकी लड़की बीए पास तो नहीं है? जी नहीं। फेल हो गई? तब तो बन गया काम। अरे सावित्री एक कप चाय ले आना, मैं अभी दिखाता हूँ लड़के। ये देखिए लड़के, लड़के पड़े हुए तमाम फैले हुए हैं, ये देखिए। ये कितने लड़के चाहिए आपको देखिए। ये लीजिए, वैसे तो सभी लड़के बढ़िया हैं, लेकिन इनमें से मुझे ये पसंद है। पोस्ट ऑफिस में काम करता है, 250 रुपया तनख्वाह है, माँ बाप जिंदा हैं, खाता पीता घर है, 25 बरस की उम्र है, चींच पोखली में एक मकान भी है। चींच पोखली में? हाँ जी। तो दयाराम जी आप ही बातचीत कर लीजिए, लड़के के बारे में तो आप जानते ही हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप बेफिक्र रहिए, लीजिए चाय पीजिए। मेहरबानी, मैं नहीं पीता। आप चाय नहीं पीते? जी नहीं। तो अब मुझे कब आना चाहिए? आप ऐसा कीजिए आज शाम को मैं उनसे बात कर लूंगा, आप कल तशरीफ लाइए। जैसी इच्छा। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। तुम तो कहते थे कि मैं किसी के बीच में नहीं पढ़ूंगा, अब बोलो ना, बोलो। तुम तो जानती हो कर भला हो भला। अच्छा तुम ऐसा करो, जाओ किताब ले आओ, मैं तुम्हें पढ़ूं। अब हम नहीं पढ़ने। क्यों? तुम्ही ने तो पढ़ाई बंद कर दी। अरे पगली, मैं खत लिखूंगा तो तू पढ़ाएगी किससे? घसीटामल से। घसीटामल से? मगध देश में एक बड़ा पराक्रमी राजा था,
उसके दो संतान थी, एक लकड़ी एक लकड़ा। लकड़ा लकड़ी नहीं माजी, लड़का लड़की। हाँ लड़का लड़की, जबान भर जाती है बेटा। और एक अलका आई है शायद। आओ अलका, अच्छी तो हो ना, बैठो। नहीं चलो तुम्हें शॉपिंग को ले चलो। शॉपिंग को? मगर मेरा निकलना तो इस वक्त मुश्किल है। क्यों? वो अभी आए जो नहीं ऑफिस से। अच्छा तो उनका हुक्म लेना पड़ेगा शायद। उनसे पूछे बगैर कैसे जा सकती हूँ मैं? वो जाते हैं तुमसे पूछ के। उनकी बात और है अलका, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। ओह, और तुम नहीं हो अपनी मर्जी के मालिक? नहीं अलका, जो उनकी मर्जी वही मेरी मर्जी। तुम्हारी जैसी औरतों ने तो मर्दों को सिर पे चढ़ा रखा है, औरतों की आजादी को बेच डाला है, दासी बना के रख दिया है बिल्कुल। लेकिन वो तो मुझे दासी नहीं समझते। हजी दासी तो क्या, अगर आपका यही हाल रहा तो आपको खरीदी हुई लौंडिया समझेंगे। अच्छा देखो तुम चलती हो कि नहीं मेरे साथ? नहीं अलका, मैं तो नहीं जा सकूंगी। क्यों? घर का भी सारा काम पड़ा हुआ है और मुझे खाना भी तो पकाना है। खाना? हाँ। तो तुम इनका खाना भी पकाती हो? मैं तो घर का सभी काम करती हूँ। ओहो दीदी, दीदी क्या तुमने भी इसीलिए पास किया था कि सारी पढ़ाई लिखाई को चूल्हे में डालकर जिंदगी भर तक उसे फूंकती रहोगी? चूल्हा फूंकना कोई बुरा काम है अलका? जी नहीं। और फिर अपना काम अपने हाथ से करने में कैसी शर्म। लेकिन तुम्हारी वो बुढ़िया सास क्या घर में बैठी बैठी मक्खी मारा करती है सारा दिन? अरे चुप चुप, अरे क्या चुप चुप चुप? अलका बेटी, अरे तेरी बहन तो हमें मक्खियाँ भी नहीं मारने देती, जरा देख तो कितना साफ सुथरा रखती है घर को, नाम को भी नहीं है मक्खी। बहुत अच्छा करती है जी, हर रात भी किसी से कम नहीं। नमस्ते दासी। किरण। अरे ये क्या ले आए? कपड़े हैं, कपड़े तुम्हारे लिए। काफी कपड़े तो हैं मेरे पास, और क्यों ले आए? मगर इस डिजाइन के नहीं होंगे। किरण मैं तुम्हें दुनिया के तमाम ड्रेसेस में देखना चाहता हूँ, पंजाबी, बंगाली, मराठी, अंग्रेजी, चीनी, जापानी। नहीं देखो जी, मैं तो सदा वही रहूंगी जो हूँ, ड्रेस के बदल लेने से इंसान थोड़ी बदल जाता है। तुम नहीं समझोगी मेरे मन की बात। अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जाओ, फोर्ट जाना है, फोर्ट। लेकिन मैं क्या करूँगी फोर्ट जाके, आप हो आइए। अरे भाई तुम्हारे लिए तो जाना है। देखो पहले जाएंगे दर्जी के यहाँ और उसके बाद ब्यूटी हेयर कटिंग सैलून, खचाक खचाक बॉब कट कराऊंगा तुम्हारे। हटो भी, हम नहीं कटाएंगे अपने बाल वाल। ए लेकिन मैं तुम्हें बॉब कट में देखना चाहता हूँ, प्लीज डार्लिंग। देखो जी तुम बुरा मानो या भला, मैं बाल नहीं कटवा सकती। और मैं कहता हूँ तुम्हें बाल कटवाने ही पड़ेंगे। और मैं पूछती हूँ क्या तू पागल हो गया है? हाय कितने अच्छे बाल है बेचारी के, खबरदार बहू जो बाल कटवाए तो। माँ ये मेरी औरत है समझी, इसको मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। चल बैठ, हुक्म के एक के तो मेरी बहू है, घर की लक्ष्मी है समझा, मेरे बाद घर संभालना है इसे, बाल कटवाए वो जो ठल्ली हो। चल बहू। टैक्सी में से हमारा सामान ले आओ। तू क्या देखता है? जो कुछ है मेरे साथ। बहुत सुंदर। तुम मेरे बाल कटवाने से नाराज हो गए? तुम सर भी कटवा दो तो मैं नाराज नहीं हूंगा।
इतनी नफरत है हमसे? नफरत तुमसे नहीं अलका, तुम्हारी आदतों से। मेरी आदत मुझे मुबारक और तुम्हारी नफरत तुम्हें। बहुजी आपका सामान। बहुजी निकल जाए यहाँ से। ना? ये तो मैंने नहीं कहा। फिर शिकायत क्या? तुम्हारे सहयोग की। तुम जानती हो अलका के मैं एक औसत दर्जे का आदमी हूँ और आजकल मेरी आमदनी कुल 400 या 500 रुपए महीना। समझ गई, तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी। जो आज की जरूरतें पूरी नहीं कर सकते उसे शादी करने का कोई हक नहीं है। सच कहती हो अलका, लेकिन तुम्हें तलाक लेने का हक है। ले सकती हो तलाक। तुम मुझे तलाक देना चाहते हो, छोड़ देना चाहते हो? मैं तो नहीं चाहता। फिर तुम्हारी मुझसे ये बातें कैसे निकली? कैसे हिम्मत हुई तुम्हें ये कहने की? तलाक देने के बजाय मेरा गला घोट दो ना, छोड़ दे दो ना मुझे। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम तलाक की धमकी देकर मेरी छाव को दबा देना चाहते हो, लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो सिर झुका देती है। जॉब करूंगी तो अपने बेटे पर, अपने बेटे पर। मैं भी नौकरी कर सकती हूँ, समझे? सुरेश बाबू आओ जल्दी, आओ आओ। अच्छे तो हो? हमारा क्या हो रहा है भाईजान? होना क्या है, सब ठीक है भाई। अलका देवी कहाँ है? यही। अलका और सुनाओ क्या हाल चाल है? अजी अपना क्या, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सब भी है। जी नमस्ते अलका देवी, कहिए क्या हाल चाल है? बहुत खूब, बहुत सुंदर, कितनी अच्छी लग रही हैं आप बाल कटवाकर। क्यों सुरेश? हाँ भाई अपनी अपनी पसंद है। इनसे क्या पूछते हैं आप? ये तो कहते हैं बाल कटवाने के बजाय सिर कटवा दिया होता तो अच्छा था। हैं? यार सुरेश तुम भी नीरे गाजर पारखी, देखो कितनी स्मार्ट लग रही है अलका देवी इस वक्त। और एक वो है इनकी बहन किरण बाला, मैंने कहा चलो बॉब कट करवा दूं, नहीं ड्रेसेस सिलवा दूं, नहीं स्लैक्स बनवा दूं, वही 5 गज की साड़ी लपेट लेती है और दिन भर घर का काम किया करती है। हमने तो नौकरानी से शादी कर ली है अलका देवी। दिलीप बड़े मुकद्दर से मिलती है ऐसी औरत। तो फिर किरण ही से क्यों नहीं शादी कर ली आपने? किस्मत में तुम जो लिखी थी अलका। भाई ये क्या बात है, मैं आया और आप लोग झगड़ने लगे। चलो मैं आप दोनों को अपने क्लब ले चलूं। आप चलेंगे अलका देवी? किस क्लब में जाते हैं आप? मॉडर्न क्लब। सुनिए हम भी क्लब ज्वाइन करेंगे। तुम्हारी इच्छा है अलका। और तुम सुरेश? भाई मैंने तो गृहस्थी की क्लब ज्वाइन की है, देखता हूँ नित्य या नहीं। अरे भाई तुम्हें और हमारी किरण को तो इस 20वीं सदी में जन्म ही नहीं लेना चाहिए था, दोनों पुराने जमाने के आदमी। लेकिन साहब इस वक्त 6 बज रहे हैं और मैं। आप चल रही हैं अलका देवी? सुनिए मैं जाऊं उनके साथ। मुझसे क्या पूछती हो अलका, अगर तुम ठीक समझती हो तो जरूर जाओ। बहुत अच्छा, आप यहीं ठहरिए, मैं भी कपड़े बदल कर आती हूँ। चलिए दिलीप बाबू। अच्छा सुरेश टाटा। चलिए सुनिए, आपको कोई इतराज तो नहीं है? नहीं अलका, इसमें इतराज की क्या बात है, आखिर ये तुम्हारे बहनों ही हैं और तुम इनकी साली हो। बहुत अच्छा, बड़ा ही रूखा आदमी है सुरेश भी। अजी यही तो उम्र है मौज उड़ाने की। मेरा ख्याल है सुरेश आपसे मोहब्बत नहीं करता। जी नहीं, वो मुझे बहुत चाहते हैं, बेहद प्यार करते हैं मुझसे। मगर ये तो रूखा प्यार है अलका देवी, खाना कितना ही लजीज हो बगैर अचार और चटनी के मजा ही नहीं आता।
मिस्टर दिलीप। बुरा ना मानिएगा अलका देवी, अब देखिए ना किरण आप ही की बहन है, मुझे प्यार भी करती है, बेहद प्यार करती है, लेकिन आपके साथ घूमने फिरने और बातें करने में जो मजा आता है वो किरण के साथ नहीं आता। शाबाश, बहुत अच्छी, क्या बात है। कौन कपूर साहब, बैठे बैठे तशरीफ रखिए, फरमाइए क्या हाल चाल है, बहुत जमाने के बाद दर्शन हुए। बस हाल ही हाल है दयाराम जी। क्यों, खैरियत तो है? वैसे तो खैरियत है दयाराम जी। हाँ हाँ, कहिए कहिए। क्या कहूँ भैया, अपनी जांग उघाड़िए, आप ही लाजो मरिए, वो तुम्हारी अलका कुछ गलत रास्ते पर चल रही है, है? मैं उसे कुछ बुरा नहीं कह रहा हूँ, मगर रातों को क्लब में जाना, 11-11 बजे तक वापस आना, ये कहाँ तक मुनासिब है लड़कियों के लिए। मगर साहब ये तो सुरेश की कमजोरी है, और आपसे क्या कहूँ, आपकी भी कमजोरी, क्यों नहीं डांट में रखते हैं आप उसे? डांटने का अब जमाना नहीं रहा दयाराम जी, और फिर वो पढ़ी लिखी है, बीए पास है, आप उसके बाप से कह दीजिए कि वो अलका को बुलाकर समझा दे। अच्छी बात है, जाऊंगा किसी दिन, लेकिन सुरेश को भी ढील नहीं छोड़नी चाहिए। वो दुनिया को तमाशा नहीं दिखलाना चाहता दयाराम जी, मेरी और मोहल्ले वालों की शर्म करता है, सारी बुराइयों की जड़ तो दिलीप है। दिलीप? हाँ, वही उसे लिए घुमा करता है, कहें तो मुसीबत, न कहें तो मुसीबत, वो बहनोई जो ठहरा उसका। अजी बहनोई हुआ तो क्या हुआ, डांट पिला दीजिए उसे, मैं भी किसी दिन उसकी माँ से कहूंगा। अच्छा तो फिर इजाजत दीजिए, यही कहने के लिए आया था। चाय नहीं पीजिएगा? फिर किसी दिन, नमस्ते। नमस्कार दयाराम जी। नमस्कार, आइए आइए। दयाराम जी, सचमुच दयाराम जी हैं आप, सैकड़ों लड़के लड़कियों की शादी करा दी आपने, कितने उजड़े हुए घर बसा दिए आपने, बड़े परोपकारी हैं, बड़े परोपकारी हैं। अरे भैया, इसमें परोपकारी की क्या बात है, अपना तो काम है सेवा करना, कर भला हो भला। कितने ऊंचे ख्याल हैं आपके, मैं भी यही सोचकर आया था दयाराम जी कि मुझ पर भी जरूर दया करेंगे आप। जरूर जरूर। ये तो बताइए, आपको लड़के की जरूरत है या लड़की की? अजी लड़की की, लड़के तो 6 हैं आपकी दुआ से। अच्छा जी, आधा दर्जन? जी हाँ। एक क्या काम करते हैं? अभी तो बच्चे ही हैं, बड़ा लड़का 15 वर्ष का है। 15 वर्ष? इतनी उम्र में उसकी शादी कर रहे हैं? मैं इसके बिल्कुल खिलाफ। नहीं अजी, मैं उसके लिए थोड़े ही कह रहा हूँ। फिर किसके लिए? मैं तो अपने मुताबिक कह रहा हूँ। आप शादी करेंगे? जी हाँ। खूब। अजी सुनती हो? जी। वो अपने घर मन्नो आती है? मन्नो? हाँ। वो कितने बच्चों की माँ है? 5 बच्चों की। 5 बच्चे? 5, 6, 11 पूरी फुटबॉल होगी। उसकी उम्र क्या है? उम्र तो कोई बहुत नहीं है जी, बस 50 की होगी। 50? लड़की मिल गई लाला जी, जोड़े खूब मिले। ये क्या कहते हो दयाराम जी, मैं और 5 बच्चों की माँ से शादी करूंगा? मैं और 5 बच्चों की माँ से शादी करूंगा? तुझे 6 बच्चों का बाप हो गया तो तुझे कौन शादी करेगा? चले गलियां से। और सुन, अगर तेरे घर में आईना ना हो तो किसी नाई की दुकान में। अरे तू छोड़ इस काम धंधे को, वो दलित घूमने जा रहा है, तू भी उसके साथ जा। पर खाना कौन पकाएगा माँ जी? मैं पका लूंगी ना, तू रोज उसके साथ जाया कर, कभी 10 बजे आता है कभी 12 बजे आता है, तू साथ रहेगी तो वक्त पर आ जाएगा। उठ जल्दी से। अरे उठना। आज हम भी चलेंगे आपके साथ घूमने। लेकिन मैं तो स्टेशन जा रहा हूँ। स्टेशन? दिल्ली ऑफिस का मैनेजर आ रहा है। ये लो 150 रुपए। बस 150 ही? हाँ, बाकी खर्च हो गए। 200 खर्च हो गए? आखिर क्या किया जी तुमने इतने रुपयों का? मुझे हिसाब लिखने की आदत नहीं। लेकिन मैं कैसे चलाऊं घर का खर्च, पिछले महीने भी 150 दिए थे, अब इस महीने भी 150। ओफो,
कह जो दिया इतना ही बचा सका, अभी तक क्लब का चंदा नहीं दिया। तो छोड़ क्यों नहीं देते क्लब? तुम खाना क्यों नहीं छोड़ देती? सुनिए, फरमाइए। देखो जी, मैं तो खाना भी छोड़ दूं, लेकिन घर के और खर्च भी तो हैं, माँ जी हैं, तुम्हारे ही दूसरे खर्च हैं। तुम कहो तो मैं भी नौकरी कर लूं कहीं। क्या हर्ज है नौकरी करने में, अगर कहीं मिलती हो तो जरूर करो। और देखो, मैं खाना नहीं खाऊंगा रात को। अलका, अरे वाह, तुम तो तैयार भी हो गई। जल्दी करो, 8 बजे से पहले जगदीश की शादी में पहुंचना। शादी? शादी में कैसे जा सकते हैं? क्यों? दिलीप ने आपको और मुझको नाटक देखने के लिए जो बुलाया। ओ? मैं तो आपका इंतजार ही कर रही थी, अभी आती हूँ। मगर अलका, शादी में तो जाना ही पड़ेगा, दिलीप को मैं समझा लूंगा। नहीं, उनसे वादा करके आया हूँ अलका। मैंने भी तो दिलीप से वादा किया है, बल्कि उन्होंने तो सीट भी रिजर्व करानी होगी। लो, आ गई। चलो। मगर वो लोग हमारा इंतजार करेंगे, बुरा मानेंगे। लेकिन दिलीप भी तो बुरा मानेंगे। जगदीश का मन रखने के लिए हमें जाना चाहिए। शादियों को रोज रोज तो होती नहीं, और फिर तुम जानती हो जगदीश मेरा कितना पुराना दोस्त है। लेकिन दिलीप मेरा बहनोई है और किरण मेरी बहन है, क्या हमें उनका मन नहीं रखना चाहिए? दिलीप घर का आदमी, फिर किसी दिन चले चलेंगे। नहीं, वो बेचारे निराश होकर चले जाएंगे और किरण बुरा मानेगी। तो फिर तुम ऐसा करो, तुम ही चली जाओ। तुम नहीं चलोगे हमारे साथ? मैंने कहा ना, मुझे जगदीश की शादी में जाना चाहिए। बहुत अच्छा, जाइए अपने दोस्त की शादी में। अलका, सुरेश नहीं आया? उन्हें अपनी दोस्त की शादी में जाना है। अरे, किरण कहाँ है? जी, वो उसे अपने घर के कामों से फुर्सत ही नहीं। तुम चलो। हम दोनों ही? क्यों, कोई हर्ज है? नहीं, कोई हर्ज नहीं। चलो ड्राइवर। मेरा ख्याल है सुरेश ने बहाना कर दिया, वो तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहता। वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो फिर तुम्हें रोकना चाहता होगा? नहीं, वो कभी भी मेरी किसी इच्छा में बाधा नहीं डालते। सच कहती हूँ दिलीप, ऐसा हस्बैंड बड़े भाग्य से मिलता है, बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन तुमसे अच्छा नहीं, तुम तो हीरा हो अलका, हीरा। सुरेश तुम्हारी कदर ही नहीं जानता। आराम से बैठो ना। ठीक है, तो बैठूंगा। अच्छा देखो, नाटक शुरू होने में भी काफी देर, मेरा ख्याल है पहले अंपायर होटल में जाकर कुछ खा पी ले और उसके बाद। नहीं दिलीप, खाना तो मैं घर ही जाके खाऊंगी, वो मेरा इंतजार करेंगे। बहुत अच्छा, चल भाई अपना। ए दफ्तर हो या घर हो भैया, महल हो जाहो चाल, ए जी शहर के हर कोने में बिछा है मकरी का जाल। समाल, अरे समाल 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 समाल, पर क्या पल्ला डोरी पल्ला, पल्ला डोरी पल्ला हे, पल्ला डोरी पल्ला। ए जी कदम कदम पर धोखे है बाबू, गली हो या हो मोहल्ला। पल्ला डोरी पल्ला, पल्ला डोरी पल्ला हे, पल्ला डोरी पल्ला, पल्ला डोरी पल्ला हे, पल्ला डोरी पल्ला। एक अच्छा होटल देख के बैठी पीने कोका कोला, तो फिर अरे सोफा क्या फिर दे देना, सेठ ये हंस कर बोला। ऐसा फिर दिखा के गला लगा रे जाने, अच्छा दिखा के गला लगा दी जाने मुझको मुआ मुटल्ला। कमाल, पल्ला डोरी पल्ला, पल्ला डोरी पल्ला हे, पल्ला डोरी पल्ला, पल्ला डोरी पल्ला हे, पल्ला डोरी पल्ला। एक मुझे न
कहने लगा वो रानी अगर मालकिन पहुंचने जाते अगर मालकिन पहुंचने जाती क्या होता मेरे अल्लाह पल्ला डोरी पल्ला हे पल्ला डोरी पल्ला डोरी पल्ला हे पल्ला डोरी पल्ला एक महाशय मुझे कहा करते थे सिस्टर 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 है लेकिन दिल में और ही कुछ सोचा करते थे मिस्टर ऐसा फिर देख के मौका झट से एक दिन देख के मौका झट से एक दिन झपट लिया मेरा पल्ला पल्ला डोरी पल्ला हे पल्ला डोरी पल्ला हे पल्ला डोरी पल्ला इज मिला मुझे एक नाटक वाला नाम था जिसका टिम्मी टिम्मी कहने लगा मैं तुझे बना दूंगा नरगिस या और कहने लगा शाम को आ जाना कहां घर मेरे शाम को आ जाना घर मेरे दस नंबर भाई खला पल्ला डोरी पल्ला हे पल्ला डोरी पल्ला जी कदम कदम पर धोखे है बाबू गली हो जा हो मोहल्ला पल्ला डोरी पल्ला हे पल्ला डोरी पल्ला पल्ला डोरी पल्ला हे पल्ला डोरी पल्ला पल्ला डोरी पल्ला बाय बाय गुड मॉर्निंग डार्लिंग गुड मॉर्निंग ये लौंडिया कौन है बड़ी चुनके रखी है प्लीज भली लड़की है शादीशुदा है कुछ सोचना भी उसके बारे में गुनाह निहायत शरीफ लड़की है यस मिस्टर माथुर ओ यस 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 दैट विल डू थैंक यू